किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका स्प्रे आप अपनी फसलों के अंदर करके लगभग सभी तरीके के कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल कर पाएंगे और इसके द्वारा आप जो हमारे चबाने वाले कीट होते हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि मल्टीपल कीटों को कंट्रोल करने में ये प्रभावशाली है, एक ही कीटनाशक तो बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल भी करता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोलोमन इंसेक्टिसाइड की, जो आता है बायर कंपनी का। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इसकी कीमत क्या है, डोज क्या है, कौन कौन से कीटों पर काम करता है, इसके बारे में यूनिक इन्फॉर्मेशन जो भी है, इसके बारे में यूनिक जानकारी है वो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सोलोमन के अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है इमिडाक्लोपिड, जो हमें 19.81% देखने को मिलता है। दूसरा इसके अंदर जो होता है बीटा साइफ्लोथ्रिन, जो हमें 8.49% देखने को मिल जाता है। तो ये दो टेक्निकल इसके अंदर होते हैं। तो देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, यानी कि इसके अंदर दोनों एक्शन होते हैं। देखिए, इसके अंदर जो इमिडाक्लोपिड टेक्निकल है वो सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, यानी कि स्प्रे के दौरान वो प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। और दूसरा जो हमारा इसमें बीटा साइफ्लोथ्रिन होता है वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, जिससे कीटों पर, जैसे ही आप सोलोमन का स्प्रे करेंगे तो कीटों पर ये तुरंत नॉकडाउन एक्शन दिखाता है, यानी कि स्प्रे के बाद जो कीट है उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और इसके अंदर एंटी फीडिंग एक्टिविटी भी होती है, यानी कि ये तुरंत ही जो हमारे इंसेक्ट हैं, कीट हैं, इसके स्प्रे के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना वो तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। जो बीटा साइफ्लोथ्रिन होता है इसके अंदर, उसके अंदर कॉन्टैक्ट एंड इंजेस्शन एक्शन होता है, यानी कि जैसे कीट उसके कॉन्टैक्ट में आएगा इस टेक्निकल के में तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। या जो कीट है वो ट्रिकिट पत्तियों को खाता है बाद में या उनका रस चूसता है तो उसके अंदर ये केमिकल जाता है, तो क्योंकि इसके अंदर इंजेस्शन एक्शन होता है तो उस कीट की बाद में भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कीट को कंट्रोल करने का काम करता है। और बीटा साइफ्लोथ्रिन जो होता है, जो इंसेक्ट होता है उसके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। ये क्या काम करता है, जो सोडियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट की जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो बीटा साइफ्लोथ्रिन टेक्निकल है वो इस तरीके से काम करता है। दूसरा इसमें इमिडाक्लोपिड होता है, वो भी जो इंसेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जिससे कीट को पैरालाइज कर देता है। तो इस तरीके से वो भी जो इमिडाक्लोपिड है वो भी काम करता है, वो सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, यानी कि प्लांट के सिस्टम में चला जाता है, बाद में जो भी जो कीट है वो रस को चूसता है तो उसके पेट में जो केमिकल है वो जाने के बाद जो कीट है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही प्रभावी ढंग से चाहे चबाने वाले कीट हों चाहे रस चूसने वाले कीट हों, दोनों पर ये कंट्रोल दिखाता है। देखिए, ये ओडी फॉर्मुलेशन में आता है जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड होता है। ओडी का मतलब होता है ऑयल डिस्पर्सन, ये फॉर्मुलेशन होता है, यानी कि ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन होता है, जिससे ये यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है बहुत अच्छा होता है, यानी कि स्प्रे के बाद ये केवल हमारे फसलों के अंदर 20 मिनट यदि रह जाता है, यानी कि 20 मिनट के बाद भी बारिश आती है तब भी इसके जो रिजल्ट हैं हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है मात्र 20 मिनट्स का होता है, मात्र 20 मिनट का होता है। तो 20 मिनट ही काफ़ी होते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से इंसेक्ट को, कीट को कंट्रोल करता है, तो देखिए यदि हम पहले रस चूसने वाले कीटों की बात करें, सकिंग पेस्ट की बात करें, तो देखिए एफिड्स पे अच्छा काम करता है, जेसिड्स पे अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ ये जो हमारा थ्रिप्स होता है थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। और देखिए व्हाइट फ्लाई पर भी काम करता है, लेकिन कुछ हद तक, बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ हद तक ये व्हाइट फ्लाई पर भी काम करता है। तो इन रस चूसने वाले कीटों पर ये काम करता है। उसके साथ साथ यदि हम चबाने वाले कीटों की बात करें तो देखिए सेमी लूपर पे बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ ये गड्डल बीटल जो कीट आता है उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ रेड बीटल जो इंसेक्ट होता है, जो हमें कद्दू पे, तरबूज पे, खरबूज पे देखने को मिलता है, जो पत्तियों को खा जाता है, तो उस पर भी ये काम करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये फल छेदक पे यानी कि फ्रूट बॉरर पे अच्छा काम करता है, उसके लिए दे सकते हैं।
उसके साथ साथ ये तना छेदक पे भी यानी कि स्टेम बोरर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सभी कीटों को ये बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। तो देखिए, यदि आपके खेतों के अंदर, फसलों के अंदर ऐसी समस्या अक्सर बन जाती है कि हमारी फसलों पर थ्रिप्स का भी अटैक है, एफिड्स का अटैक है, तो और उसके साथ साथ जो चबाने वाले कीट है यानी कि फल छेदक या तना छेदक का भी अटैक है या किसी इल्ली का अटैक है, सेमिलोपर का अटैक है, तो दोनों को एक साथ कंट्रोल आपको करना है तो आप इसका स्प्रे दे देते हैं तो जो सभी कीट है, रस चूसने वाले भी और आपके चबाने वाले भी, दोनों को ये एकदम कंट्रोल कर देता है अपनी फसलों के अंदर। तो उस सिचुएशन में ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड रहता है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए, यदि हम सोलोमन इंसेक्टिसाइड के रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो ये लगभग 11 से 12 दिनों तक हमारी फसलों पर काम करता है स्प्रे के बाद। और देखिए, यदि आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि इंसेक्ट की समस्या ज़्यादा है। यदि आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें ऐसी फसलों में, स्पेशली जिनमें हमें पॉलिनेशन के लिए जो हनी बी है उनकी आवश्यकता होती है, मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों पर फ्लावरिंग स्टेज में यदि आप इससे बच सकते हैं, स्प्रे से अवॉइड कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और यदि इंसेक्ट का अटैक उस सिचुएशन में भी ज़्यादा है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई उतना ज़्यादा पूरा असर यह नहीं डालता है। तो आप उस सिचुएशन में भी कंट्रोल इसका स्प्रे करके जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनको अपनी फसलों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो देखिए इसकी जो 100 ml पैकिंग की कीमत है वो लगभग आपको 300 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन जरूर हो सकता है, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकता है। तो एक अप्रॉक्स आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दिया है रेट का। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।